बहुत कोशिश करते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं होती। तेरा मोबाइल तेरी पत्नी और बच्चों को दिखाऊंगा। कुछ बोलने के लिए मुंह खोलो तो एक दांत निकाल देता है। और आपके जीवन में पत्नी बहुत मुश्किल है। मेकअप के बिना आई तो सिर फोड़ दूंगा मैं। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शैलेश लोढ़ा स्वागत करता हूं। सारा देश सारी दुनिया इस वक्त जो हमें देख रही है, मैं जानता हूं आप हम बड़ी मोहब्बत करते हैं और जिंदगी में मोहब्बत करनी भी चाहिए। मोहब्बत एक ऐसी शय है जिसे नहीं की उसने कुछ नहीं किया, और किसी से नहीं हुई तो जिंदगी में किया ही किया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कोशिश करते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं होती, क्योंकि वक्त बदल गया। आज के बच्चे तो बड़े स्मार्ट हो गए। आठवीं और सातवीं क्लास के बच्चों के आप सोशल मीडिया पर स्टेटस देखो, हो हमने इतनी मोहब्बत कर ली कि जमाने से नफरत कर ली। मैंने कहा उम्र देख तेरी, हमारी उम्र में क्या होता था मैं आपको बताऊं। आजकल के स्कूल्स में जब बच्चों को कोई फंक्शन होते हैं ना, बेटा कल फंक्शन है, वी आर वेरी एक्साइटेड, मजा आएगा। और हमारे जमाने में कल भाई प्रोग्राम है, बस्ता लेके आना है कि नहीं सर ये बता दीजिए। हमारे जमाने के बच्चे अलग थे मेरे टाइप के। आज के जमाने के बच्चों को मैंने देखा चिड़ियाघर में ले गए बच्चों को, तो बंदर कोई सो रहा था तो एक लड़का नो डोंट डिस्टर्ब मी स्लीपिंग, मंकी स्लीपिंग, और हमारे जो ले पत्थर मार तेरे बाप को सो रहा है। क्या करे कोई, सातवीं आठवीं के बच्चे मोहब्बत कर रहे हैं। और मनोज जी आप देखिए, आप कटनी से आए हैं और आपके जीवन में पटनी बहुत मुश्किल है। ये है मनोहर मनोज, जो हास्य व्यंग के कमाल के कवि हैं और कटनी मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आते हैं। बड़े पुराने कवि हैं मेरे, बहुत सालों से मेरे मित्र हैं, मेरे जानकार हैं, और बहुत वर्षों से मैं इनका प्यार और ये मेरा प्यार पाते रहे हैं। हिंदी कविताओं का अनुराग इनका अद्भुत है, और उनके पास ही मध्य प्रदेश के अकोदिया मंडी शाजापुर के पास एक जगह है, वहां से गोविंद राठी आते हैं। और अरे ये भी मध्य प्रदेश से, आज तो मध्य प्रदेश स्पेशल है हमारे बीच में। ये भोपाल से हैं, इनका नाम है दीपक शुक्ला। दन्ना दन, ये दना दन जोरदार है यार। अच्छा हुआ कि आप महिला नहीं है, वरना आप तखल्लुस टना टन भी रख सकते थे। तो ये है दीपक शुक्ला, दना दन भोपाल से। ये है गोविंद राठी, अकोदिया मंडी मध्य प्रदेश से। ये भी मध्य प्रदेश से, और ये भी कटनी मध्य प्रदेश से, जो हमारा देश का एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, और वहां बहुत प्यार मिलता है हिंदी कविताओं को, और हमें भी बहुत प्यार मिलता है। तो आइए इस प्यार को सारी दुनिया में बांटते हैं। तो दनादन चले आओ फनाफन, जोरदार तालियों से स्वागत करें दीपक शुक्ला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आजकल के ब्यूटी पार्लर रूपी परियों के इस युग में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से क्या चाहता है? घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, अच्छा रस्मों को रिवाजों को सभी तोड़ दूंगा मैं। चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, मेकअप के बिना आई तो सिर फोड़ दूंगा मैं। वाह, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो दीपक। घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, रस्मों को रिवाजों को सभी तोड़ दूंगा मैं, चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, मेकअप के बिना आई तो सिर फोड़ दूंगा मैं। दीपक, लेकिन सर शादी के बाद मायने बदल जाते हैं। शादी के बाद पत्नी फिर क्या बोलती है?
बोरी बली में रुक गई इंग्लैंड समझ कर, बोरी बली में रुक गई इंग्लैंड समझ कर, गेंडे की पीठ थप थपाई बैंड समझ कर, किस्मत मेरी वो शख्स भी गधा निकल गया, मैं जिसके साथ आई थी हसबैंड समझ कर। हाँ, 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 हाँ। मेरी पत्नी एक बार गुस्से में बड़ी तेज तेज कुछ चबा रही थी। अच्छा। मैंने उससे पूछ लिया, गुस्सा क्यों हो, चबा क्या रही हो? तो कवि की पत्नी, उसने चार पंक्तियों में जवाब दिया, धोखे में दूध के मठे की खीर खा गई, शादी के बाद हाय ये तकदीर खा गई, तस्वीर कल मुझे मेरी शादी की दिख गई, तस्वीर कल मुझे मेरी शादी की दिख गई, गुस्से में फाड़ के वही तस्वीर खा गई। वाह। और जब एक कवि की शादी को कुछ वर्ष हो जाते हैं, हाँ, तो उसकी स्थिति कवि की घर में क्या होती है? माँ ने कहा, बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली, लगता है मुझे माँ का लाल तू। ये बिल्कुल सच बात। माँ ने कहा, बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली, लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले, मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं, तेरी माँ संभाल। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू, जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे, आलतू जलालतू और आई बला घोटालतू। देखो ये तुम्हारे लिए जो दना दन तालियां बज रही है, अब तुम दना दन स्टार बन रहे हो भैया, क्या बात है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि वाह भाई वाह के मंच पे हम पहली बार दीपक शुक्ला दना दन को लेके आए और उसने बहुत तेजी से तरक्की की है और मुझे उम्मीद है कि अपना नाम और करेंगे। और आइए बुलाते हैं उस पीढ़ी के उस रचनाकार को जिनके हास्य व्यंग में एक अनूठी अद्भुत कला है और जिस ढंग से वो कहते हैं, जिस ढंग से लिखते हैं, ऐसा बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। मनोहर मनोज हमारी उस पीढ़ी के कवि है जिन्होंने कविता को जिंदा रखा है। मैं बुलाता हूँ मनोहर मनोज को, जोरदार तालियों के साथ। घटना तो छोटी थी लेकिन आपदा बड़ी थी, ये समझिए कि सनी की साढ़े साती हमारे सिर पर चढ़ी थी, तभी सुबह सुबह बीच बाजार में गच्चा दे गया और एक झपटमार मेरा मोबाइल छीन कर ले गया। अच्छा। शाम को पार्क में वही मोबाइल चोर मुझे दिखा, मैं हरसाया कि अब इसको सबक सिखाता हूँ, पकड़ के रहूंगा, इसके पास जाता हूँ। तभी चोर ने मुझे देखा, मुझे देख के मुस्कुराया और एक अंगुली का इशारा करते हुए मुझे अपने पास बुलाया। अच्छा, चोर बुला रहा है इधर आ। चोर ने मुझे उंगली का इशारा करते हुए चोर ने मुझे बुलाया, मैं आश्चर्य आहत, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। चोर ना मुझे देख कर डरा न घबराया, मैं चोर के पास गया, चोर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और एक लंबा ठहाका लगाया, बोले अबे बुड्ढे। चोर बोलता है अबे बुड्ढे, तेरा दिल बहुत फलांगता है, रात के तीन तीन बजे तक जागता है। तेरा दिल बहुत फलांगता है, रात के तीन तीन बजे तक जागता है, तूने जितनी महिलाओं को चैट और मैसेज किए हैं, हाँ, मैंने सब पढ़ लिए हैं। मैंने सब पढ़ लिए हैं। अच्छा बता, ये रजनी आंटी कौन है? ये रजनी आंटी कौन? रजनी का नाम सुनते ही हम हाथ जोड़कर खड़े रहे मौन। क्या दृश्य है, चोर के सामने हाथ जोड़ के खड़े। चोर बोला, बड़े घटिया चुटकुले, रंगीन फोटो, कैसे कैसे ऐप, बड़ी रद्दी फिल्मों से भरा पड़ा है तेरा ऐप। अब मैं तुझे मजा चखाऊंगा और तेरा मोबाइल तेरी पत्नी और बच्चों को दिखाऊंगा। मैं चोर को नापने गया था, चोर मुझे नाप रहा था
वह निर्भीक खड़ा था और मैं थर थर कांप रहा था। तभी चोर ने पैंतरा बदला और कहा, अब मैं तुझे और खलूंगा, बुड्ढे मेरा बैग उठा, मैं अभी तेरे घर चलूंगा। अभी तेरे घर चलूंगा। मित्रों, मेरा ही मोबाइल मुझे खल रहा था, मैं भारी कदमों से चोर का बैग उठाए अपने घर की ओर चल रहा था। अपने घर की ओर चल रहा था, तभी दिमाग में एक आइडिया आया, रास्ते में पड़ेगा पुलिस थाना, थानेदार से है मेरा यार आना, वही मुझको इस मुसीबत से बचाएगा, आखिर बचपन का दोस्त किस दिन काम आएगा। थाना आते ही मैंने चोर से कहा, सर जी थाने में चलेंगे जरा काम से। चोर मुस्कुरा कर बोला, आराम से। आहाते में थानेदार साहब कुर्सी पर बैठे धूप सेंक रहे थे और अपनी बहादुरी के किस्से सिपाहियों पर फेंक रहे थे, लेकिन मैं किस्मत का अभागा, चोर को देखते ही थानेदार कुर्सी छोड़कर भागा। बहुत बढ़िया। मैं किस्मत का अभागा, चोर को देखते ही थानेदार कुर्सी छोड़कर भागा। थानेदार आगे आगे, चोर पीछे। हम भयभीत खड़े हुए थे, आंखें मीचे। तभी चोर वापस आया और बोला, ये तुझको बचाएगा, ये तुझको बचाएगा, तुझको इससे बड़ी आस है, अबे सुन, इसका मोबाइल भी मेरे पास है। इसका मोबाइल भी मेरे पास है। तभी एक सिपाही कुर्सी ले आया, चोर को इज्जत के साथ बैठाया, सर जी आप ठंडा लेंगे या गरम? सर जी आप ठंडा लेंगे या गरम? चोर की इज्जत देखकर मैं ठगा का ठगा था और पूरा थाना चोर की सेवा में लगा था। मुझे देखकर दयनीय और असहाय जब मैं खड़ा था निरुपाय, तो मुझे देखकर चोर बोला, बेटा अब तू घर जा, आज मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा, फिर किसी दिन आऊंगा। और दो दिन के बाद जब मैं घर शाम को आया, चोर को सोफे पे पसरा हुआ पाया। चोर मुझे देखते ही लपक कर मुझसे हाथ मिलाया और बोला, भाई मनोज बहुत दिन बाद मिले हैं। और यह कहकर मुझे गले से लगाया। मेरी पत्नी से बोला, भाभी जी हम दोनों ने कॉलेज में अच्छा समय बिताया है, एक दूसरे के हर कोई काम आया है, एक बार मनोज के पास कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तब मैंने इसको पांच हजार रुपए दिए थे। चोर की उदारता देख मेरे बेटा और बेटी मुस्कुराए। मैं खड़ा हुआ, अलमारी खोली, 5,000 निकाले और चोर को थमाए। और मित्रों, ये कार्यक्रम वाह भाई वाह, मैं इसमें आया था पिछले माह, आज फिर आया हूँ, अगले माह फिर आऊंगा। इसका कारण खास है, क्योंकि शैलेश लोढ़ा जी का मोबाइल मेरे पास है। बहुत बढ़िया। कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे? बहुत बढ़िया भाई, वाह मनोज भाई, आपने कमाल कर दिया, क्या बात है, वाह। हालांकि ये कविता सुन के मेरा अंतर्मन मौन है, बस इतना बता दीजिए रजनी आंटी कौन है। हंसी अभी तक नहीं रुक रही है मनोहर। मनोज जी कमाल कर दिया आपने भाई, कमाल ही कर दिया। बस आज तो आप ही हमारे मुख्य अतिथि हैं, क्योंकि आपने जो कहा है वो अद्भुत है। मैं बुलाता हूँ ऐसे युवा रचनाकार को जिसने पिछले कुछ समय में अपनी तेजी से पहचान बनाई और व्यंग का एक अद्भुत और अनुपम हस्ताक्षर है, व्यंग पे अपनी पकड़ रखता है। अकोदिया मंडी बहुत छोटा सा कस्बा है शाहजहाँपुर में, लेकिन वहां से आते हैं गोविंद राठी और कमाल की व्यंग चलाते हैं लाठी, जोरदार तालियों के साथ।
चले भैया, सबसे पहले मैं वाह भाई वाह की पूरी टीम को आप सहित बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी की समृद्धि के लिए आप संगठित होकर जो काम कर रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी। अरे भाई साहब, आपने कह दिया बस क्या, बस आप ही के इस वाक्य के लिए जी रहे थे हम लोग। आपने जिस इतना बड़ा आदमी, देखो आप इतनी अध्यक्षीय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहा है भाई, आज क्या बात। आप लोग जो संगठित होकर काम कर रहे हैं, बाबर धन्यवाद। वरना शैलेश भैया, संगठन की हालत बच्चों ने खराब कर रखी है। अच्छा, वो बच्चे ने, आप हालत देखिए क्या कर दी मास्टर की। मास्टर जी ने बच्चे के मुंह से सिगरेट खींचकर तोड़ते हुए कहा, संगठन में शक्ति होती है, इसका कोई बड़ा उदाहरण बताओ। बच्चा बोला, मास्टर जी एक अकेली बीड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लो आप ये बंडल तोड़ के बताओ। वाह, ये हालत कर दी है बच्चों ने। एक कविता देखिए कि एक नवयुवक खुद को इश्क का बीमार कर बैठा, दांतों के एक सरकारी डॉक्टर की लड़की से प्यार कर बैठा। अरे, रोजाना लड़की से शादी के संबंध में चर्चा करने जाता और बेचारा एक दांत अपना निकलवा कर घर वापस आ जाता। 32वें दिन उसने जुबान से मसूड़ों को टटोला और पोहपले मुंह से जाकर अपनी प्रेमिका से बोला, तुमने क्या गजब की आफत कराई है, तुम्हारा बाप है या कसाई है। शादी की बात बीच में ही काट देता है, कुछ बोलने के लिए मुंह खोलो तो एक दांत निकाल देता है। बहुत अच्छे। 32 दिन में निकाल दी मेरी 32, मगर कमबख्त ने बात नहीं की इतनी सी, मुझे अपने इस सरकारी बाप से बचाओ, घर में कोई असरकारी सदस्य हो तो बताओ। लड़की ने पर्स खोल कर निकाली एक पेन किलर की गोली, फिर लड़के के बालों को अपने हाथों से सहला कर बोली, तुम्हारे किस्से में तो गजब का लॉफ्टर है, घर में एक अन्य सदस्य मेरी माँ है जो पेशे से दिल की डॉक्टर है। हाय हाय, वाह। और मेरे मजनू, वो तो मैं ही हूँ जिसने लेला बनकर तुम्हारी इस मोहब्बत को सहेजा है, और शुक्र मनाओ कि तुम्हें अपनी उस हृदय रोग विशेषज्ञ माँ के पास नहीं भेजा है, वरना ये घटना आसमान से भी आगे बढ़ लेती। मेरे बाप ने तो सिर्फ तुम्हारे दांत निकाले हैं, वो तुम्हारा दिल निकाल के पढ़ लेते। हाय हाय, वाह वाह, वो तुम्हारा दिल निकाल के पढ़ लेती। दोस्तों, वो तो लड़की भले परिवार की है, संस्कारित है, शिष्ट है, जो ये बात पचा गई कि उसका एक भाई भी है जो किडनी का स्पेशलिस्ट। हाय हाय, वाह 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 वाह, धन्यवाद, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। परिवार भी काफी सरकारी है आपने देखा। लेकिन चलिए हम बढ़ते हैं आगे और हमारे उस सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है ये चित्र बड़ा विचित्र है मित्र। एक चित्र हम देखेंगे और फिर देखते हैं कौन क्या कहेगा। ये चित्र बड़ा विचित्र है मित्र। अरे मनोहर मनोज जी, कहीं आप ही तो नहीं खड़े उल्टे हैं? एक मिनट इधर आइए ना। ये चित्र देख के किसी को कुछ सूझता है? जी दीपक सर, इसे देख के चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं। जी, कि दरिया दिल भी हुए आजकल कंजूसों के बाप यहाँ। हाँ, दरिया दिल भी हुए आजकल कंजूसों के बाप यहाँ, पहलवान महंगाई के डर से हुए चवन्नी छाप यहाँ, बाल उड़े थे जिनके सर से देख देख राशन का पर्चा, वो गंजे अब खुश हो रहे हैं ना कंगी ना कटिंग का खर्चा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। हमारा अगला सेगमेंट और भी कमाल का, जिसका नाम है कहानी थोड़ी इल्मी है। ओहो, लड़कियां पीट रही है क्या? पत्नियां पतियों को पीट रही है, लड़कियां लड़कियों को पीट रही है, क्या कर रही है? किसी को कुछ सूझता है? अरे आप दीपक, अरे बता। सर मुझे फिर चार पंक्तियां याद आ गईं। जी जी, हमारे स्वप्न की खातिर कभी भी वो नहीं सोई, हमारे स्वप्न की खातिर कभी भी वो नहीं सोई, लड़ी है हर मुसीबत से कभी हिम्मत नहीं खोई, यहाँ जितने भी पति बैठे हैं सबसे पूछ लो यारों कि पत्नी मारती जब है बचा पाता नहीं कोई। वाह वाह, बहुत अच्छे।
तो भाई आज की महफिल में मुझे और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ये था कि ये हंसी ये जिंदगी को अर्थ देते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है जो मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए और देख के इस चीज को महसूस कीजिए कि हास्य बिना फूहड़ता के, बिना अश्लीलता के, बिना कोई हल्की बात किए, बिना किसी पे कोई ऐसी टिप्पणी किए कि जिससे उसका दिल दुखे, उसके बिना भी क्या कुछ किया जा सकता है, जिसके उदाहरण ये कवि हैं। मुझे गर्व है मेरे देश की कविता की संस्कृति पर, मुझे गर्व है जहाँ हिंदी कविता और उर्दू शायरी को इस मोहब्बत से सुना जाता है। पूरी दुनिया में इतने सारे देश हैं, लेकिन जब 50,000 लोग एक साथ बैठकर कविताएं सुनते हो, लाखों लोग एक साथ बैठकर कविताएं सुनते हो, ये इस देश के सिवाय और कहीं नहीं होता। और हमें गर्व है, शेमारू टीवी को गर्व है कि आज हम इस देश की संस्कृति को इस तरह से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमारे घर आंगन में पलती है। ये कविता की ताकत है, शायरी की ताकत है, ये शब्दों की ताकत है, और ये ताकत यूं ही जिंदा रहेगी। हम रोज यूं ही मिलते रहेंगे और कहते रहेंगे वाह भाई वाह।